हम देखते हैं ब्लड शुगर लेवल हम घर में मेयर कैसे करते हैं, ये हमारे पास इसके साथ मैनुअल है इस डिवाइस का। इसके अलावा ये लॉग बुक है जिसमें हम पेशेंट का शुगर लेवल डे बाय डे मॉनिटर करके देख सकते हैं कि ये मेंटेन है शुगर कि नहीं मेंटेन। ये ग्लूकोमीटर है, ये लैंसेट केस है या लेंसिंग डिवाइस है, और ये लैंसेट है, इसे लैंसेट बोलते हैं, और ये हमारे पास फिर टेस्ट स्ट्रिप है। सबसे पहले आपने ये जो टेस्ट स्ट्रिप है इसे यहाँ कॉर्नर से तोड़ना है और इसे इस तरह से तोड़ना है कि ये टेढ़ी ना हो जाए टेस्ट स्ट्रिप। और उसके बाद फिर जब हम इसे ये टेस्ट स्ट्रिप को इसमें से निकाल लेंगे तो यहाँ पे ये इस तरह से जो थ्री लाइंस शो हो रही हैं, हमने इसे टेस्ट स्ट्रिप की थ्री लाइंस को बाहर निकालना है और इसे हमने ग्लूकोमीटर में इंसर्ट करना है। और इसे हम पहले यहाँ रख देंगे और हम बाद ये है हमारे पास लैंसेट केस। अब इसमें क्या करना होता है, इसके ये ऊपर हेड को जो है इसे रिमूव करना होता है। इसे रिमूव करने के बाद यहाँ पे हमने ये लैंसेट जो है इसे यहाँ पर लगाना होता है। इस तरह से ये हमारे पास लैंसेट यहाँ पर लगा देंगे। इसका जो ऊपर प्रोटेक्टिव कैप है इसे हम रिमूव कर देंगे। इसे रिमूव करने के बाद हम वापस लैंसेट को यहाँ से जैसे हमने खोला था हम सेम उसी वे में इसे बंद कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे अब यूज़ करने के लिए इसे पीछे को पुश करना पड़ता है और सेकंड पे हमने इसे बस हिट करना होता है और यहाँ पे रख के, और हमारे पास ब्लड का एक ड्रॉप जो हमें चाहिए होता है वो मिल जाता है। अब क्या करना है, हमने इसे ऑन करना है। इस तरह से हम इसे ऑन करेंगे और सामने हमारे पास ये शो होगा। उसके बाद इसका ये जो ये थ्री लाइंस नज़र आ रही हैं, हमने ये चीज़ जो है इसे ऊपर रखते हुए इसमें ऐसे करके ऐसे इंसर्ट कर देना है। ओके, नाउ जब हमने इसे अंदर लगाया तो ये वाला साइन अपीयर होगा। इस साइन का मतलब है कि अब हम यहाँ पे अपना ब्लड का ड्रॉप जो है वो लगा सकते हैं। अब हमें इसे पहले क्या करना है कि अपने हाथों को अच्छी तरह से वॉश करना है। इसके अलावा जो हमारे इस तरह के एरियाज़ हैं जहाँ पे पेन कम होती है, इसे जॉइंट से दूर रखना चाहिए और इस तरह से करना चाहिए। अब ये यहाँ पर मैं अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करूँगी, इसे मैं यहाँ पर ऐसे प्रेस करूँगी और यहाँ से ब्लड आएगा और इसे हम थोड़ा सा ब्लड स्क्वीज आउट करेंगे और ये मेरे पास काफ़ी ब्लड स्क्वीज आउट हो गया है। इसे अब क्या करना है कि लैंसेट स्ट्रिप पे यहाँ जाके इसे मैं यहाँ पे नाउ दिस इज शोइंग दिस डिवाइस के हमारे पास जो ब्लड है वो पूरा हो गया और ये काउंट ऑन लेवल स्टार्ट हो गया। इसके बाद ये मुझे मेरा शुगर लेवल इस टाइम लो बता रही है, मतलब एल ओ का मतलब होता है कि शुगर लेवल आपका लो है, और इसके अलावा फिर एच आई आया, दैट्स मीन शुगर लेवल हाई है। इसके बाद आपने जो आपका ब्लड निकल रहा है आपको फौरी तौर पे कोई कॉटन चाहिए जिससे आपने इसे कवर कर देना, ये जिससे आप फिर अपने ब्लड को कंट्रोल कर लें, वहाँ से कॉटन रख के तो ब्लड को कंट्रोल कर लें। अब सेकंड पे आपने क्या करना है, इसके बाद आपने ये जो ये स्ट्रिप है इस पे जिस पे आपका इसने शुगर लेवल बताया है इसे आपने रिमूव करके इसे भी डिस्कार्ड कर देना है। इसे आप दोबारा रीयूज़ नहीं कर सकते। और मैंने ये फर्स्ट टाइम डिवाइस लिया है, आई हैव नो आइडिया कि ये अब सही बता रही है कि नहीं, मुझे अपना शुगर लेवल कहीं और भी टेस्ट करना पड़ेगा। और फिर इसे रिमूव करके आपने इस स्ट्रिप को डिस्कार्ड कर देना है। सेकंड पे आपने क्या करना है, जो आपने एक दफ़ा ये लैंसेट यूज़ किया है इसे आप दूसरी दफ़ा यूज़ नहीं कर सकते, ना तो किसी पेशेंट पे और यूज़ कर सकते हैं। दोबारा से आपने लैंसेट लेके इसका जो कवरिंग कैप था इसे वापस से बंद करके, वापस इसे बंद करने के बाद आपने इसे रिमूव कर लेना है और इसे भी आपने डिस्कार्ड कर देना है। इस तरह से आप ब्लड शुगर लेवल घर में चेक कर सकते हैं और इसे आप लॉग बुक पे नोट करके इसे डेली बेसिस पे मॉनिटर कर सकते हैं। थैंक यू।